विश्व प्रसिद्ध चित्र शैली बनी ठनी का नाम आज कौन नहीं जानता है। राजस्थान के किशनगढ़ की बनी ठनी चित्र शैली की यह पेंटिंग इस बार शिवरात्रि महोत्सव में भी पहुंच गई है। राजस्थान किशनगढ़ के अरविंद साहू ने इस चित्र शैली का एक स्टॉल विभागीय प्रदर्शनों के पंडाल में लगाया है। अरविंद साहू व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बनाए गए यह चित्र एकाएक लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इन पेंटिंग्स में भारतीय मोनालिसा की पेंटिंग भी है, जो कि किशनगढ़ के राजाओं के पुराने डॉक्यूमेंट्स पर तैयार की गई है। वहीं पुराने डाक पत्रों पर भी बनी ठनी चित्र शैली की कई पेंटिंग्स तैयार की गई है। हिमाचल मंडी में पहले बार आए हैं सर, हम पूरे परिवार वाले ये पेंटिंग बनाते हैं और सारा परिवार में पापा डिस्ट्रिक्ट अवाड़ी है और उन्हीं से हमने पेंटिंग सीखी है। ये मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ, सारी पेंटिंग मैंने खुद ने बनाई है सर। पापा 48 से कर रहे हैं, मैं 25 ईयर से कर रहा हूँ। पूरी फैमिली इसी से जुड़े हुए हैं, पापा मम्मी भाई बहन सब इसी से जुड़े हुए हैं। यही हमारा काम है, वहाँ जहाँ हम रहने वाले हैं वहाँ पे और कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। जो हमारे किशनगढ़ के राजा थे उनके ओल्ड डॉक्यूमेंट थे, उन पर हमने नई पेंटिंग बनाई है। बनी ठनी शैली में पेंटिंग बोलते हैं इसको, और ये अपने इंडियन मोनालिसा बोलते हैं अपने बनी ठनी शैली में। इसकी नाक लंबी होती है, आँख लंबी होती है, हाथ लंबे होते हैं इसके, और शैली वाई पेंटिंग होती है। ये ध्यानचंद जी ने बनाया था, हम उसकी कॉपी करते हैं। और पुराने पोस्ट कार्ड है हमारे पास, उनकी भी पेंटिंग हम यूज़ करते हैं सारे, है ना, पुराने ओल्ड डॉक्यूमेंट है उनके हमने पेंटिंग बनाते हैं। ये पेंटिंग लोकल टू वोकल करने के लिए हमने किया है इधर, और कम प्राइस में पेंटिंग बनाई है और नाइट में शाइन करने वाली पेंटिंग है ये।